जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का सेकेंड ईयर्स का एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और उनका फ़ी भी जमा करना स्टार्ट भी हो चुके हैं और ख़त्म भी होने वाले, आप सभी को पता है। तो यह वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि अभी तक अपना जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं किए हैं और वो अभी भी कन्फ्यूज़ में है कि करें या ना करें। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, फर्स्ट सेमेस्टर हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो यदि आप भी आपके भी मन में सोच रहे हैं और आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया सेकेंड ईयर में, तो यह वीडियो अंतिम वीडियो, इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देख ले, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकेंड ईयर एडमिशन जो फी स्टार्टेड यहाँ पर आए हैं। तो सेकेंड ईयर का फी जमा करने के लिए आप सभी को पता है कि इस लिंक पर क्लिक करते हैं या नहीं तो आप टीचर सेक्शन में जाकर यहाँ से भी डायरेक्टली आप क्लिक करके जो है अपना एडमिशन को करवा सकते हैं सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाने के लिए जैसे कि आप सभी को पता है, और आपके पास 3 से 4 दिन का मौका है क्योंकि आपके पास जो है 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक के पास से ही आपके पास समय थे। बस इतने ही दिनों में आपको करने थे और मतलब कि कुछ ही दिन अभी आपको बाकी है। तो उन दोस्तों के लिए जो कि अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, वे सभी अपना अपना जरूर रजिस्ट्रेशन करवा ले, अदरवाइज आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। क्योंकि यदि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा लेते हैं तो इधर आपका रिजल्ट आते हैं या नहीं आते, सक्सेसफुल होते हैं चाहे नहीं होते, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना एग्जामिनेशन हमेशा जो है कंटिन्यू जो है देते रहिएगा। तो यहाँ पर उसका जो है इंपॉर्टेंट नोटिस थे, आप सभी को पता है कि 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक थे, और उसके साथ साथ आपको जो पर हेड जो है 6,000 फी आपको सेकेंड ईयर में जमा करने थे। इसके साथ साथ सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले सेमेस्टर परीक्षा में असफल या अब्सेंट शिक्षक परिणाम घोषणा के बाद परीक्षा के लिए उचित पंजीकरण के बाद फर्स्ट ईयर की आगामी परीक्षा में शामिल होंगे। ऐसे शिक्षकों को भी 7 जुलाई 2018 तक दूसरे वर्ष के प्रवेश में करने की आवश्यकता है। यानी कि आपको वही चीज़ हम कहे जा रहे हैं कि जो ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक आप सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमने एब्सेंट कर दिए थे, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं? तो आपको बेशक है कि आप एब्सेंट हैं, चाहे असफल हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, यदि आप NIS में एडमिशन लिए हैं और फर्स्ट ईयर में अगर आपने 4,500 रुपया डाल के एडमिशन करवाएं और आप आगे भी अपना रजिस्ट्रेशन को जारी रखना चाहते हैं, यानी कि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर का फी जो है जमा करना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना 7 जुलाई से पहले पहले जो अपना जो है सेकेंड ईयर का जो है अपना पैसा जो है ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास जो है पिछले एक वीडियो में डाल के पूरा आपका पूरा डिटेल्स बताएंगे, फिर भी इसमें हम शॉर्ट से आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालने, फिर सबमिट करने के बाद आपको मैक पेमेंट में आ जाएंगे, वहाँ पर नाम दिखेंगे, आपका नाम, पिताजी का नाम, इनरोलमेंट नंबर, इन सभी डालने के बाद जो है मैक पेमेंट में करेंगे। मैक पेमेंट को करते ही आपके पास जो है सर्वर 1 सर्वर 2 करके आएंगे। सर्वर 1 में जाते ही आपको चूज करवाएंगे कि आपको किससे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किससे पेमेंट करना चाहते हैं, आप किस बैंक से करना चाहते हो, वो अपना बैंक को सिलेक्ट करें और सक्सेसफुल पेमेंट कर दे। तो यह जो अंतिम वीडियो है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो 7 जुलाई तक जरूर आप पहले से पहले कर ले। इसके साथ ही साथ आपके पास जो है इफ द पेमेंट अगर कभी कभी क्या होते हैं, आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट हो जाते हैं और आपका जो स्टेटस जो है चेंज नहीं होते, नॉट चेंज फॉर पेमेंट नॉट मेट करके आते हैं, तो इसके लिए जो बोलेंगे कि कम से कम 1 घंटा का आवर का वेट करें, बट आप थोड़ा सा 1 से 2 दिन तक आप वेट कर ले। 1 से 2 दिन में आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप जो है जब भी अंतिम पेमेंट करें तो उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट करके जरूर रख ले। तो उन दोस्तों के लिए यह जो वीडियो काफ़ी लाभदायक होंगे जो कि अभी तक जो है काफ़ी कन्फ्यूज थे कि हमारा जो है सेकेंड ईयर जो है पूरा का पूरा क्लियर नहीं। वीडियो में किसी भी प्रकार का समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।